चलिए अग्नि को समझने के लिए हम दो प्रिंसिपल का उपयोग करते हैं। पहला प्रिंसिपल जिसे हम फायर ट्रायंगल कहते हैं और दूसरा फायर टेट्राहेड्रॉन। फायर ट्रायंगल कहता है कि फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन एक ट्रायंगल की तीन बाजुएं हैं। अगर इसमें से अगर एक भी बाजू अगर मिसिंग होती है तो आग उत्पन्न नहीं होगी, मतलब आग को जलने के लिए या आग को लगने ना देने के लिए हमें किसी एक चीज को रिमूव करना है, मतलब इन तीन चीजों को आपस में मिलने नहीं देना है। फायर टेट्राहेड्रॉन प्रिंसिपल कहता है कि इसमें एक चौथी बाजू आती है जिसे हम चेन रिएक्शन कहते हैं। तो चेन रिएक्शन क्या होती है, तो समझिए अगर हम किसी लकड़ी को जलाते हैं तो क्या करना पड़ेगा, हमें उसको पहले प्रीहीट करना पड़ेगा। जैसे जैसे हम इसको प्रीहीट करते हैं तो उसमें से मॉइस्चर ड्राई होते जाएगा, मॉइस्चर ड्राई होते ही लकड़ी डिकम्पोजिशन में चली जाएगी और फ्लेमेबल वेपर्स को इमिट करना स्टार्ट करेगी, जैसे कि हाइड्रोजन है, CH3 है या मिथेन है, ये फ्लेमेबल चीज़ों को इमिट करना स्टार्ट कर देगी। ये चीज़ें जब सोर्स ऑफ इग्निशन मिलता है तो ऑक्सीजन की प्रेजेशन में इनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। इस रिएक्शन में कुछ ऊर्जा निर्माण होती है, ये ऊर्जा दूसरी रिएक्शन को इनिशिएट कर देती है और ये सिलसिला बढ़ते जाता है, इसे चेन रिएक्शन कहते हैं। अगर हम इस चेन रिएक्शन को अगर ब्रेक कर देते हैं तो आग को आसानी से बुझा सकते। तो आपने समझ लिया कि आग को बुझाने के लिए आपको पहले ऑक्सीजन का फ्यूल को रिमूव करके आग को हम बुझा सकते हैं, दूसरा ऑक्सीजन को रिमूव करके यानी सुदृढ़ करके हम उसको बुझा सकते हैं, और तीसरा सोर्स ऑफ हीट को रिमूव करके हम आग को बुझा सकते हैं, और चौथा तरीका है आप चेन रिएक्शन को ब्रेक करके आपको बुझा सकते। तो चलिए।